शुभम करोतु कल्याणम् आरोग्यम् धन संपदा शत्रुबुद्धि विनाशाय ज्योतिर्नमोस्तुते दीपज्योति परब्रह्म दीपज्योतिर्जनार्दन दीपो हरतु मे पापम् दीपज्योतिर्नमोस्तुते।
सभी कुंडों में अग्नि प्रज्वलित हो चुकी है और जैसा आप देख रहे होंगे अब इसकी अवस्था ऐसी है कि इसे पकी हुई कहा जाता है। हम आरंभ करेंगे तो कृपया अपने अपने पृष्ठ पे देखें और साथ ही साथ आरंभ करें मंत्रोच्चारण। ओ अग्नये स्वाहा इदं अग्नये इदं मम ओम सूर्याय स्वाहा इदं सूर्याय इदं मम ओम सोमाय स्वाहा इदं सोमाय इदं मम ॐ प्रजापतये स्वाहा इदं प्रजापतये इदं मम ॐ इन्द्राय स्वाहा इदं इन्द्राय मम अग्नये स्वाहा इदं भू अग्नये इदं ॐ भूर्वायवे स्वाहा इदं भूर्वायवे इदं मम ॐ स्व आदित्याय स्वाहा आदित्याय इदं मम ॐ स्वः अग्ने वैवात्येभ्य स्वाहा इदं अग्ने वैवात्येभ्य इदं मम ॐ धन्वन्तरये स्वाहा इदं धन्वन्तरये इदं मम ॐ सुरभ्यै स्वाहा इदं सुरभ्यै इदं मम ॐ सरस्वत्यै स्वाहा इदं सरस्वत्यै इदं मम दंपति आते जाए एक एक कुंड पर दो दो दंपति बैठे। बालकों आप विद्यार्थियों आप बैठे रहिए आप सहायता आवश्यकता रहे तो। हम अंतिम आहुति सरस्वती जी की आहुति सभी देंगे एक एक आहुति देके आप लोग स्थान पर पुनः प्रस्थान करें और अन्य दंपति को आने दें। जो जितने जितने दंपति बैठ गए हैं जितने दंपति बैठ गए हैं वो कृपया सन्नद जो दंपति अभी शेष हैं वो इसके बाद एक आहुति और रहेगी। हम केवल अंतिम आहुति जो है वो सब लोग पुनः बोलें और वो दें। यहाँ पे अभी जितनी आवश्यकता है उतने पे ही बैठिए अभी बाकी दंपति। एक आहुति सब लोग साथ देंगे अंतिम। ओम सरस्वत्यै स्वाहा इदं सरस्वत्यै इदं मम आहुति दीजिए। अब जो भी दंपति शेष रह गए हैं कृपया वो आए जो दंपति हैं वो प्रस्थान करें। जब मंत्र समाप्त हो जाए तब आहुति दी जाती है। जो जो लोग दंपति नहीं हैं जो अकेले ही हैं वो पुरुष लोग एक साथ बैठ सकते हैं आ सकते हैं और इसी प्रकार स्त्रियां एक साथ बैठ सकती हैं आ सकती हैं। जो विद्यार्थी कन्याएं हैं उनके पास स्त्रियां जा सकती हैं और
जो विद्यार्थी बालक हैं उनके पास पुरुष आ सकते हैं। सभी आ गए हैं? अभी कोई शेष है? सभी आ गए हैं? अंतिम जो मंत्र है आपके, जो पृष्ठ है आपके पास उसमें, और मंत्र पूर्ण होने पर अपनी आहुति दीजिए और मृगी मुद्रा जैसे कल गुरुजी ने बताया था इस प्रकार से आप आहुति देंगे। यहाँ पर अपने हो द्रव्य को रख। ओम सरस्वती स्वाहा, सरस्वत्यै इदन्नममा। कृपया अपने स्थान पर प्रस्थान करें। कुछ लोग अभी भी शेष हैं तो उनकी आहुति बाकी है। यदि किसी कुंड में अग्नि पूर्ण हो गई हो तो आप दूसरे कुंड पर बैठ सकते हैं। कोई शेष रह गए हैं? इस प्रकार से हमारा आज का अग्निहोत्र संपन्न हुआ। जो सूर्योदय का और सूर्यास्त का समय है वो आप लोग पंचांग में से, समाचार पत्र में से, इंटरनेट से, कहीं से भी देख सकते हैं। और जो आपका स्थानीय समय है, सब लोग बहुत दूर दूर से आए हैं, सबका जो सूर्योदय का और सूर्यास्त का समय है वो एक समान नहीं होगा, भिन्न होगा। तो जो भी आपका स्थानीय समय है उस समय के सूर्योदय और उस समय के सूर्यास्त के समय पर आप ये अग्निहोत्र करें। और सुबह और सायंकाल के अग्निहोत्र के मंत्रों में कोई अंतर नहीं है। आप इन्हीं मंत्रों से प्रातःकाल और इन्हीं मंत्रों से सायंकाल संध्या पर अग्निहोत्र कर सकते हैं। तो आप सबसे इस ये अपेक्षा है, जैसे गुरुजी ने प्रथम दिवस कहा था कि आप लोग जब अपने अपने स्थान पर जाएंगे तो प्रत्येक दंपत्ति इस अग्निहोत्र को करना जारी रखे। ये आपके जीवन का, आपकी दिनचर्या का अभिन्न अंग बन जाए और आपको इसके जो अंतर है, इसके जो प्रभाव हैं, इसके जो लाभ हैं, आप सबको स्वयं अनुभव होंगे। तो इस प्रक्रिया को बंद ना करें। स्त्रियां जब उनका ऋतु समय होता है उस समय वो प्रथम 3 दिवस आहुति ना दें, अग्निहोत्र में ना बैठें, तो केवल जो पति हैं दंपत्ति में से वो बैठ सकते हैं। और ऋतु स्नान के पश्चात, सिर से नहाने के बाद आप अगले दिन से उसमें बैठ सकते हैं। तो इसकी नित्यता को भंग ना करें, ऐसा प्रयास करें। वो हमको एक बहुत एक सूक्ष्म विचार के स्तर की जो गुरु जी बात करते हैं, सूक्ष्म विचार के स्तर पर ये जो नित्यता होती है ये हमें जीवन में अपने किसी भी कार्य के प्रति निष्ठा का जो भाव होता है उसको दृढ़ करती है। हमारी आदत बनती है कि हम जो कोई कार्य करें उसको पूरा करें और उसको नित्य करें, जिसको एक वचन निभाना या वादा निभाना कहते हैं। उस भाव का, उस संस्कार का निर्माण अग्निहोत्र से बहुत अच्छे से होता है। और जैसे आपको बताया, मैं आज पुनः इस बात को आपका पुनरावर्तन करती हूँ कि अग्निहोत्र संपन्न होने के बाद कुछ देर वहीं बैठे, जो उसका धूम्र है उस धूम्र का सेवन करना है। ये बहुत लाभकारी होता है वातावरण के लिए भी और आपके अपने शरीर और आपके मनस के लिए भी। तो इस धूम का पान अवश्य करें। अपने अग्निहोत्र का मंत्र पूरे होने के बाद कुछ देर वहाँ पे आप ध्यान में बैठ सकते हैं। आपका कोई जप है, कोई माला है, जो आपकी नित्य की आराधना रहती है वो आप वहीं कर सकते हैं। तो उस समय में आप उस धूम्र का पूरी तरह लाभ ले पाएंगे। एक अन्य भी मैं छोटी सी बात कहना चाहूँगी कि यदि आप इसको थोड़ा सुगंधित भी करना चाहें, इसमें गुगुल जो है, जब इसकी अग्नि संपन्न हो जाए और कंडा सुलगता रहे, आप इसमें गुगुल डाल सकते हैं या रोग रक्षक धूप, जो संस्कृति आर्य गुरुकुलम से भी जो औषधीय धूप है वो भी आप ले सकते हैं, वो भी इसके ऊपर आप डाल सकते हैं। गुगुल बहुत सहजता से उपलब्ध होती है, जिसको हम परचून की दुकान कहते हैं, कंसारी के पास ये उपलब्ध रहता है। तो वो गुगुल थोड़ा सा चने बराबर, 3-4 चने बराबर जितना आप इस पे डालेंगे, तो उससे जो धूम्र में ही वो उत्पन्न होता है वो भी बहुत
औषधीय होता है वो मन को प्रसन्न करती है, जो आपका आनंदमय कोश है उसको वो सीधा पोषण देती है। तो वो नहीं भी करें तो इसकी भी गंध आप सबको आप ले ही रहे होंगे, बहुत प्रसन्न चित्त करने वाली है, बहुत सुगंध है ये। इसमें आप गूगल का भी प्रवेश कर सकते हैं, उससे धूम्र अधिक उत्पन्न होता है, तो जो आपका घर है जो आपका वातावरण है उसमें ये बहुत प्रभावशाली है। विशेष रूप से कोरोना के समय में, आजकल के कोरोना के समय में ये यदि आप सुबह शाम नित्य करेंगे तो अपने घर का नीर जंतु की करण आप करते हैं, अपने घर को स्टेरिलाइज कर लेते हैं आप, ये इसकी पोटेंसी होती है। तो ये नित्य करेंगे तो आप सब लोग, हम बाहर जाते हैं लेकिन अभी थोड़ा प्रभाव है कोरोना का, संक्रमण का प्रभाव है, तो आप नित्य अपनी शुद्धि करें, अपने घर की शुद्धि करें, उसके लिए सर्वश्रेष्ठ उपाय। तो ये कह के इस सत्र को मैं संपन्न करूँगी। जो पुत्रेष्टि यज्ञ का है उसकी सूचना आप लोगों को जिस प्रकार दी जा चुकी है, जो लोग कल उपस्थित थे उसमें, उन्हें यज्ञ में बैठने की आवश्यकता नहीं है, वो अनिवार्य नहीं है। तो जिसका भी कोई चिकित्सा आदि का क्रम है वो कर सकते हैं, बाकी सब लोग दर्शक की तरह बैठ सकते हैं। वो कार्यक्रम आरंभ होगा, उसका समय जो है 9 बजे का है, और वो कार्यक्रम आरंभ 8:30 से होगा, माने हम लोग सन्नद्ध होना आरंभ कर देंगे। तो आप उसी प्रकार उपस्थित रहें। अल्पाहार की जैसे सूचित किया गया था, आज अल्पाहार की व्यवस्था नहीं है क्योंकि यज्ञ जो है वो रिक्त उदर खाली पेट होता है, तो अल्पाहार के बाद आपको अर्जुन काढ़ा जो दूध है वो प्रस्तुत किया जाएगा, तो अल्पाहार आज नहीं है। तो इसलिए आज ये मनन करें, अपने कुछ लोगों के नाड़ी निदान आदि भी शायद होंगे तो इसलिए रिक्त उदर ही रहें, तो ये अधिक अवकार्य है। तो इस सूचना के साथ ये सत्र संपन्न होता है। अब हमारा 1 घंटे का विराम है, तो आप लोग 8:30 बजे जो लोग हैं वो सब एकत्रित होना आरंभ करें, और 9 बजे हमारा यज्ञ का समय है। जी।